करीब 13 दिन होने को आए और इस देश के सबसे होनहार खिलाड़ी जो इस देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं दिल्ली की सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं न्याय की आस में। पर आस उन्होंने किससे लगाई है? उस सरकार से जिसके अंदर की नैतिकता और मर्यादा पूरी तरह से मर चुकी है। असलियत तो यह है कि कल शाम को जो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ हुआ वो भयावह है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी, महिला खिलाड़ियों को गंदी गंदी गालियां दी गई, वहां पर हाथापाई की गई, लाठियां चलाई गई। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है, ये सवाल उठता है। लेकिन उससे पहले एक बात कहनी जरूरी है कि गंभीर आक्षेपों से घिरे भाजपा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर से यह कह दिया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह कह देंगे मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। तो आज सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो यह सब बातें 2021 से पता है, क्योंकि विनेश फोगट ने जिनको वो घर की लड़की कहते हैं उसने जाके खुद इनको बताई है। और अब यह भयावह स्थिति देखकर भी आप चुप बने बैठे रहिएगा मोदी जी? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि क्या आप अपनी चुप्पी तोड़िएगा और किस मुंह से आप कर्नाटका आकर यहां पर नारी शक्ति की बात करते हैं जब देश की बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए। मैं पहली बात करना चाहती हूं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह की दिल्ली पुलिस की असलियत यह है कि उन्होंने FIR ही लॉन्च नहीं करी तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया। और अब अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने कल महिला खिलाड़ियों के साथ और अन्य वहां पर खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी है, बदतमीजी करी है और उनके साथ अन्याय किया है। अमित शाह जी, आपका चेहरा बेनकाब होता हुआ पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात तो मोदी जी की करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो आरोपी है वो कह रहा है मोदी जी कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मोदी जी पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी को तो 2021 से पता था कि ऐसा कुछ है, पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जब मेडल जीतकर ये खिलाड़ी लाएंगे तो लपक लपक के फोटो खिंचाने में सबसे आगे मोदी जी रहते हैं, श्रेय भी इस बात का ले लेते हैं, विनेश को अपने घर की बेटी भी कह देते हैं, लेकिन जब वो बेटी सड़कों पर बैठी है तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। तीसरा चेहरा बेनकाब होता है इस देश के खेलकूद मंत्री का, अनुराग ठाकुर का। आप मीडिया के इवेंट्स में जाके स्किपिंग करिएगा, पुशअप्स करिएगा, और जो महिला खिलाड़ियों का आरोप है जो आप पर, वो सीधा आरोप लगा रही है कि आपने आश्वासन दिया था, उसके बारे में क्या कीजिएगा? आप गोली मारो के नारे जरूर दिल्ली में लगवा दीजिएगा, दिल्ली में वहीं पर बैठी हुई लड़कियों की टोह लेने की आपने नहीं सोची अभी तक। और चौथा चेहरा बेनकाब होता है भाजपा की महिला नेत्रियों का और खास तौर से महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का। उन्होंने तो मौन धारण कर लिया इस पूरे मुद्दे पर। वो गला फाड़ के तभी चीखती हैं जब राहुल गांधी का नाम आ जाता है, अन्यथा वो मौन धारण करके रहती हैं। पांचवी बड़ी बात करनी पड़ेगी इस देश के महिला आयोग की, रेखा वर्मा जी की। रेखा वर्मा जी ने आंख पर पट्टी बांधी हुई है। वो पट्टी वो तभी खोलती है जब विपक्ष के खिलाफ साजिश रचनी हो भाजपा के साथ मिलकर, अन्यथा वो कहीं पर भी किसी महिला के खिलाफ अत्याचार हो जाए वो एक शब्द नहीं बोलती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। विपक्ष का मामला हो दौड़ी दौड़ी चली जाएंगी काम करने के लिए, सारा रंजिश के तहत, साजिश के तहत वो काम करती है। छठा बड़ा बेनकाब जो होता हुआ व्यक्ति दिख रहा है वो है प्रियांक कानून को, NCPCR के चीफ, जो राष्ट्रीय बाल अधिकारों का, बाल सुरक्षा का आयोग है उसके चीफ। वो तो भक्ति में ऐसे तल्लीन है कि बेचारे के पास वक्त ही नहीं है कि पॉक्सो जैसा गंभीर आरोप जब लगा है तो उसका संज्ञान ले ले, उस पर कार्रवाई कर दे। लेकिन अभी विपक्ष का नाम आ जाने दीजिए, राहुल गांधी जी का नाम कहीं पर आ जाए, अगर उनसे कुछ बच्चे मिलने चले आए तुरंत चिट्ठियां लिखने लगते हैं चुनाव आयोग को। सातवां बड़ा बेनकाब, और इससे मुझे थोड़ा दुख होता है, वो बड़े बड़े खिलाड़ी, वो नामी गिरामी सितारे हैं जो बड़े मुखरित होते थे, जो खूब बोलते थे, उसमें से कुछ हैं जिनका ओहदा बढ़ गया, जिनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो या अन्य कोई भी जो इन खिलाड़ियों के समर्थन में मैदान में उतरा है बिना परवाह किए। और कुछ ऐसे हैं सितारे जो बहुत धूमिल हो गए अपने चुप रहने से और अपने अनर्गल बयानबाजी से, जो हक के लिए लड़ रहे हैं उनको बवाल मचाने को कहा जा रहा है। आठवां तो मीडिया की बात करनी ही पड़ेगी, दयनीय स्थिति है मीडिया की, बेचारों को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करें। अब खिलाड़ियों के पक्ष में तो बोलना ही पड़ेगा, इतना
प्रेशर है जनता का, ब्रजभूषण सिंह से भी सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि अमित शाह की दिल्ली पुलिस और अमित शाह से पहले दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल करें या प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल करें, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं प्रधानमंत्री बोल दे मैं इस्तीफा दे दूंगा। मजाल है सवाल किया जाए कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, हर बार संरक्षण आरोपी को ही क्यों देते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो सवाल नहीं कर सकते। लेकिन असलियत यह है कि अब जो गेंद है ना वो ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपके पाले में डाल दी है मोदी जी, ये कहकर कि जब आप कहिएगा या गृह मंत्री कहेंगे तो वो रिजाइन कर देंगे। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये देश देख रहा है कि न्याय और अन्याय के बीच की दहलीज में अब आप खड़े हुए हैं। आप क्या करिएगा वो बताएगा कि इस देश की बेटियों की रत्ती भर भी आपको फिक्र है कि नहीं। 13 दिन से ऊपर होने को आ गए, वो सुशोभित खिलाड़ी जो इस देश का गौरव बढ़ाते हैं, जो बड़े बड़ों को पटखनी दे देते हैं, जो लोगों को चारों खाने चित कर देते हैं, आंसुओं से रो रहे हैं। न्याय और अन्याय के बीच की इस दहलीज में अब आप खड़े हैं, क्या कीजिएगा मोदी जी।